जी बिल्कुल हर्षदा जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है कोलपाल। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टॉक में काफी एक अच्छा मोमेंटम है, और जिस तरह से पूरे कंजम्पशन स्पेस में ये एक अच्छा टेलविंड है, तो ये एक स्टॉक है जो काफी अच्छा बेनिफिट करने वाला है। एंड पूरे हम देख रहे हैं कि हायर जोन्स पे गैप अप ओपनिंग के बाद होल्ड करते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक। यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 3400 के कॉल ऑप्शन में हम इसको खरीदारी करें, 75 के स्टॉप लॉस और कम से कम 120 के टारगेट्स के लिए। वैसे शिवांगी जी, आप यकीन मानिए कोलगेट नाम ज़्यादा खूबसूरत है। कोलपाल ऐसा लगता है कि पाल साहब से बात कर रहे हो, है ना? कोलपाल, कोलगेट ज़्यादा अच्छा खूबसूरत नाम है। जी अब एक काम बिल्कुल करते हैं, अगले ट्रेड पिक करते हैं यहाँ पे कोलगेट पाम। अच्छा, ये शिवांगी जी, कोई 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 स्ट्राइक है, स्ट्राइक है ट्रेड करने के लिए इंस्टेड ऑफ फ्यूचर्स? ये 3400 की स्ट्राइक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 3400 की कॉल है और मूव अच्छा जनरेट कर रही है ये। अब चलते हैं राजेश जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? हमें लगता है यहाँ पे डीएलएफ पे फोकस रखना चाहिए। डीएलएफ में जिस तरीके से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, स्टॉक में जिस तरीके से पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है, हमें लगता है यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड की। डीएलएफ फ्यूचर्स यहाँ पे हमें पसंद आ रहे हैं और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 800, 895 से 905 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है, तो डीएलएफ फ्यूचर बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब यहाँ पे 868 के आसपास। ओके, तो डीएलएफ में एक मौका तेजी का साफ आपके लिए बन रहा है। 868 का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ट्रेड में आप उतर सकते हैं। कविता जी, चार्ट का चमत्कार। यार जी, सो शिपिंग कंपनीज में मूव बनते हुए देख रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड होगा चार्ट का चमत्कार एज इंट्राडे। 2750 2800 के प्राइस टारगेट के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2620 का। ओके, कोची शिपयार्ड आपके लिए एक मौका दे रहा है पोजीशन लेने का। चलिए अब मिड कैप फंडा नरेंद्र सोलंकी की तरफ चलते हैं। नरेंद्र जी बताइए। आजकल हमारा जो स्टॉक है वो ट्रेवल एंड टूरिज्म स्पेस से है। कंपनी का नाम है टीबीओ टेक और कंपनी का हाल ही में इसी साल आईपीओ भी आया था। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो एक एग्रीगेटर के रूप में कंपनी काम करती है, जो कि एयरलाइंस और होटल्स एंड जो उनके कस्टमर्स है, ट्रेवल एजेंसीज है, ट्रेवल एडवाइजर्स है और जो रिटेल क्लाइंट्स है उनके बीच में एक ब्रिज का काम करती है। कंपनी का अगर ऑपरेशंस देखें तो मोर देन 750 एयरलाइंस एंड 1 मिलियन होटल्स को अभी तक सर्विस कंपनी करती आ रही है और आगे भी काफी अच्छा ग्रोथ करने के अनुमान है। और कंपनी का जो मॉडल है वो काफी एसेट लाइट और मॉड्यूलर है, जो कि स्केल अप करने के लिए काफी बेहतरीन है। और इसमें हमारी जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो अराउंड 35% रेवेन्यू ग्रोथ एंड 28% एबिटा एंड पैट ग्रोथ के अनुमान है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 2150 रुपीज का है, तो आप निवेश करके इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। ओके, तो चार ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे आए, एक एक करके चारों ट्रेड्स में यहाँ फिर रख देता हूँ। हमने शुरुआत की थी आज जो सस्ता ऑप्शन ट्रेड से, शिवांगी जी ने रिकमेंड किया था वो था कोलगेट पामोलिव, इसकी कॉल थी और स्क्रीन पे इट्स आई थिंक 99 पे ट्रेड करते हुए 120 रुपये के लक्ष्य के लिए इसको उन्होंने पिक करने की वकालत की थी। उसके बाद आया था ट्रेड राजेश पालवे जी का आज का FNO सुपरस्टार, डीएलएफ फ्यूचर्स फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 895905 इन द हायर साइड के लिए 868 का स्टॉप लॉस। कविता जी ने आज पिक किया चार्ट का चमत्कार, कोचिन शिपयार्ड फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 2750 2800 2620 का स्टॉप लॉस था यहाँ पे। और नरेंद्र सोलंकी जी ने अभी अभी आज का अपना मिड कैप फंडा पिक किया टीबीओ टेक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।